Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So guys, आपके लिए क्या क्या मुनावर की नई वीडियो एंड आज की वीडियो भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है. आप सभी को पता है कि एक शॉकिंग मुनावर के लिए कि आयशा खान भाई मुनावर की एक्स गर्लफ्रेंड वो जो है खुद दावा कर रही है कि मैं मुनावर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ. तो वो बिग बॉस में आई हैं लेकिन अभी इतनी ज़्यादा झलक उनकी दिखी नहीं. थोड़ी सी क्लिप दिखी है वो भी है इस वीडियो के बीच में कि वो वहाँ पे मुनावर को बुलाया था उस रूम में. कौन सा रूम होता है मेरे को नहीं पता. वो तो वहाँ पे बिठाया था मुनावर को एंड वहाँ पे आयशा भी आई भाई. तो वो भी है बीच में क्लिप्स थोड़ी सी एंड बाकी मुनावर के कुछ फनी मोमेंट्स एटीट्यूड वाले मोमेंट्स सारे के सारे बाकी बीच में. तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. मुनावर की चप्पल के बराबर. सना लॉयर है बट जब उसका सना का डांस देखा तब हमको पता चला कि हाँ सना लॉयर ही है. बैठा तू उधर है भाई तुम्हारा साथ. चवन गडूली. कैप्टन खाएगा टपली. मुझे बुला लो इसके लिए. तो चलो मुनावर भाई रेडी हो. चेंज करनी चाहिए. ये बात नहीं की थी कि आप मुझे मिस करेंगे शो में. तो आप ब्रेसलेट पहने. मुझे याद नहीं बट डेफिनेटली मैं वो ब्रेसलेट जब लाया हूँ मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है. और मेरे पास दो तीन चीजें ही होती है एज अ ज्वेलरी तो मैं वो लेकर आया. आप शो में तो रिलेशनशिप में हो आप कह रहे हो. हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर इस तरह यहाँ से शो से जबकि बाहर इस तरह न्यूज है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है. टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज बिफोर वी एंटर द शो आप अभी मुझसे कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है अच्छे से बात करते हैं. मैंने तो आपसे शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड किसी भी एंगल से इन्वॉल्व है आप मुझसे दूर रहें. आपने बोला देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट देयर इज नो वे दैट वी आर इन्वॉल्व यू एंड हर. तो मैं कैसे आई पिक्चर में. तो आप अगर रिलेशनशिप में नहीं है और किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ रहे तब आप चीट कर सकते हैं. मैं चीट नहीं कर रहा था. तो मतलब जिसको टू टाइमिंग भी नहीं बोल रहे. Want to see magic? Magic. Come here. Chindo. Yes. Come behind. Magic. Chindo, come behind. Hold his. This. Okay. Now, you have to just look at me. Sing the song. मेरी जेब में से अरुण फूल निकाल के समर के हाथ में दे दो छुप के से इसको दिखना नहीं चाहिए. Now this is my hand, okay? Okay? Now your hair is a very beautiful piece. Now I'm going to get something from your hand. नजदीक से देखना अपनी तरह बना दिया भाई. बेटर हाफ है अंकिता. अंकिता अगर अगर मेरा जोक जो भी है मेरी जो राइटिंग आज की है अंकिता अगर आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा क्योंकि यू विल बी द सेकंड टाइप पार्ट ऑफ द वर्स्ट राइटिंग आफ्टर बागी. देखो मैंने यहाँ पे ऐसे सब पे ही जोक लिखे तो कोई बुरा मत मानिएगा ठीक है. और मैंने ऐश्वर्या पे कोई जोक नहीं लिखा नील भाई क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल लोगों पे जोक लिखा है. खानजादी हक्की पक्की हो जाएगी एकदम से. खानजादी मुनावर नीचे से जमीन लेके चल जाएगा अगर मुनावर के साथ वो पागलपंती करेगी तो. सही बोल रहे हो आप शायद.
Shut up! Very bad! Very bad man! या मिले बाहर मत मिलना. मुनावर की चमची लग रही हो, मुनावर की चमची लग रही हो वहाँ पे, मुनावर की चमची लग रही हो, उसी की सुनो, उसी की सुनो, उसी की सुनो, उसी की सुनो जाके, मुनावर की चमची बन रही हो, मुनावर की मुनावर, मुनावर जो बोल रहा है वही तुम कर रही हो. जब चिंटू सेकेंड वीक में घर पे आया था तो ईशा ने मानने से मना कर दिया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है. हम सब उससे बहुत नाराज हुए थे, जेन्युइनली सब नाराज हुए थे कि तूने ऐसा क्यों किया. लेकिन फिर हमने चिंटू का घोड़े वाला टैलेंट देखा तब पता चला कि इसने क्यों मना कर दिया के घर में तरीके खटारे अपनाए थे. चुना गया कैप्टन है भाई, चुना गया कैप्टन. लेकिन पुराने जो लोग चला रहे थे उनसे हम बहुत ज्यादा नाखुश थे उनके तरीकों से. तो आप तरीका बस प्लीज ऐसा मत करिएगा. आपसे उम्मीद है जो आपने कभी 60 दिन में किया नहीं है. देखिए वो 60 दिन में किया नहीं है तो अब भी मत करिएगा. कैप्टन इस मोहल्ले को अपनी मन मर्जी अनुसार. नाउ आई शो यू वन मैजिक. ओके ओके मैजिक. व्हाट इज इनसाइड? I don't know. कुकी. हाँ कुकी. ठीक है ओके. हाँ मेरे को आधा दे. लस्सी आधा मेरे को. आधा मेरे को. फोर पीस. फोर पीपल. स्पिट स्पिट. क्या क्या कर रहे हैं भाई? यू शीट. चेक योर पॉकेट्स. पॉकेट पॉकेट चेक कर. वापस गलत चीजें बोल रही है अंकिता. डोंट क्रॉस योर लाइन. क्रॉस लाइन तो ऐसे नहीं कर सकते. हमारा नेता कैसा हो ओरा जैसा हो. औरा बात आप बहुत अच्छे से बातचीत करती है इसलिए मिलना चाहिए. तो ग्रेस पीरियड के टाइम पे चाकू मार रहे थे, अब हाथ मिला रहे हो. अरुण भाई उस चाकू पे फिंगरप्रिंट्स आपके भी पाए गए थे. यार कैप्टन के अंदर थूक पॉलिश वाली क्वालिटी होनी चाहिए. बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो आपको नॉन कमिटल होने का टैग दे रहे हैं. चलिए आपको मिलवाई देते हैं उनसे. बताइए इतना याद किया आपने कि मुझे जाना पड़ा. आपको याद तो नहीं किया? अच्छा नहीं किया. मैंने देखा आपने मेरी ब्रेसलेट पहनी हुई थी तो मुझे लगा शायद याद कर रहे होंगे. नहीं मैं घर पे बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आया था ना तो उसमें से. अच्छा उसमें से याद नहीं रहा होगा. इतने सारे लोगों की ब्रेसलेट्स लिए होंगे. वन ऑफ इट कुड बी मी. आप टॉन्ट कर सकते हो बट आपने ये बात नहीं की थी कि आप मुझे मिस करेंगे शो में तो आप ब्रेसलेट पहनेंगे? मुझे याद नहीं है बट डेफिनेटली मैं वो ब्रेसलेट जब लाया हूँ मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है और मेरे पास दो तीन चीजें ही होती है एज अ ज्वेलरी तो मैं वो लेकर आया. बिग बॉस इस मोहल्ले के पहले कैप्टन मुनव्वर को ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं. कांग्रेचुलेशंस मुनव्वर. मुनव्वर ये मोहल्ला अब आपका. हड्डी के साथ फोटो लेंगे. इसे चलाने की मर्जी और जिम्मेदारी अब आपकी. यहाँ सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी. सो गाइस ये थी वीडियो एंड आगे आगे भाई वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा खतरनाक. yes. वीडियो नहीं खतरनाक होने वाली है. वीडियो भी तो खतरनाक ही होगी बट बीच में आयशा आएगी ना भाई और ज्यादा खतरनाक ये शो बनता जाएगा. एंड खतरनाक भी हो सकता है किसी तरीके से और ना खतरनाक भी हो सकता है. ना खतरनाक होने का रीजन ये है कि मुनावर अब ना गेम ही आने लगा अपनी वापस. पहले थोड़े दिन पहले स्टार्टिंग में था फिर थोड़े दिन शांत रहा अब थोड़ा था वो गेम खेलने लगा है. स्टार्टिंग अपनी करने लगा है वैसे थोड़ा. और सलमान खान ने वैसे चीज़ ये कही थी कि मसाला देखना चाहते हैं लोग तो वही ना लड़ने लड़ने वाला तो मुनावर को ये चीज़ में फंसा दिया बादशाह वाली चीज़ में. तो वो अपने आप को वैसे ही वहाँ से बाहर निकाल रहा था उस पर्टिकुलर जोन से जहाँ पे वो पहले था बट अब बादशाह की फिर वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएगा और शांत शांत था रहेगा. और उस वो तो दो तीन दिन के लिए चलेगा भाई चीज़ ये ना आयशा वाली बट मुनावर खुल के वो चीज़ें नहीं कर पाएगा अब है ना. तो देखते हैं बाकी क्या रहेगा कैसा रहेगा. और बाकी आयशा का भाई पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है. मैंने कमेंट्स पढ़े भाई लास्ट वीडियो जो बनाई थी आयशा की तो लोग इतना ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि आयशा फेक है ये है वो है कुछ पैसों के लिए मुनावर के लिए. तो बहुत पब्लिक प्यार करती है मुनावर को ऐसी बात नहीं है. तो बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.